जाने जहाँ रोनुमा जिन्होंने स्टार्ट किया था, वो उनका नाम था हरी हरी दत्त और उसका एडिटर था कौन, सदा सुखलाल साहब। ये दोनों को याद करने के लिए और 200 साल में जो उर्दू जर्नलिज्म कहाँ तक पहुँचा है उसको रिमाइंड करवाने के लिए आज ये प्रोग्राम हो रहा है। ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये मैसेज दिया जा रहा है। और ये हर तीसरी ज़ुबान है इंग्लिश के बाद, बंगला के बाद उर्दू, कि जिनका 200 साल पहले से जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ है। और उर्दू जर्नलिज्म के अगर हम बालाए ताक रखें तो हमारा इंडियन इकोनॉमिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कल्चर, एजुकेशनल स्टेटस हम जान नहीं पाएंगे। और ये सब चीज़ जो है हमको कहाँ से मिलती है, उर्दू जर्नलिज्म से। इसलिए इसको इंक्रेज करने के लिए हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल ममता बनर्जी जी, हमारे जो हमारे दीदी है, वो पावर में आने के बाद इस एकेडमी का, उर्दू एकेडमी का चेयरपर्सन हुई। इनकी एक खूबसूरती है एकेडमी की। और जब 96 लाख बजट था, उस बजट को बढ़ाते बढ़ाते आज 12 करोड़ बजट कर दिए हैं, जिसके लिए हम लोग उर्दू एकेडमी के तरफ से BCS की कोचिंग सेंटर्स, उसके बाद मुशायरा, उसके बाद स्कॉलरशिप, उसके बाद बुक्स पब्लिकेशन, उसके बाद बुक फेयर, ये सारा चीज़ हम लोग करने में कामयाब होते हैं। और उसको ये ज़ुबान किसी कौम का नहीं होता है, किसी मज़हब का नहीं होता है, ज़ुबान ज़ुबान होता है। और ये ज़ुबान लश्करों की ज़ुबान थी, वहाँ से जो है उर्दू होके आया है। और इस ज़ुबान को बचाए रखना हम हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा फ़र्ज होता है। सर, लोग इस ज़ुबान को ख़त्म करने के लिए साजिश कर रहे हैं, वो तो पूरे हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए साजिश कर रहे हैं। उसका साजिश उसी के पास रहेगा, ज़ुबान ज़ुबान की तरह चलेगा, हिंदुस्तान की तरह चलेगा। मखसूस काम का होता तो हरहरी दत्त साहब जो है जर्नलिस्ट होकर के ये इस रोजनामा स्टार्ट नहीं किया होता। उनके बाद आज फिल्मिस्तान जो है आपका बॉलीवुड, ये जो रोशन है ये उर्दू ज़ुबान की वजह से रोशन है। आज सूरत आपका ये सोच है, उर्दू पसमानदा नहीं है, ना उर्दू का ग्राफ डाउन हुआ है। आज भी उर्दू उसी आपका हैसियत से चल रहा है जो हैसियत से कल चल रहा था आज। लेकिन उर्दू के साथ साथ हम लोग ये कहेंगे ज़रूर कि हम जिस स्टेट में रह रहे हैं उनकी भी ज़ुबान को जानना ज़रूरी होता है। ये दोनों ज़ुबान जो है एक साथ अगर लेके चले, हम कभी जो है ना आपके कल्चरली हम बैकवर्ड हो सकते हैं, ना फाइनेंशियली जो है बैकवर्ड हो सकते हैं, ना इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो सकते हैं। हम दोनों ज़ुबान को जो है हम लेके चले। उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन के साथ साथ हज कमेटी के वो चेयरमैन भी है। हमने देखा उनका जो फंक्शन है, उनका कारनामा है, हज कमेटी में भी देखा है और उर्दू अकेडमी में भी देख रहा हूँ मैं। और उनके साथ साथ हमारे जो सेक्रेटरी है नुजत जैनब मैडम, वो भी काफ़ी इसमें जो है लगी हुई हैं। उनके उर्दू अकेडमी के जो बोर्ड हैं, जो बोर्ड मेंबर्स हैं, हज कमेटी के सारे मेंबर्स, सारे लोग लगे हुए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे उर्दू अकेडमी से अच्छा अकेडमी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, और हमारा हज कमेटी से अच्छा हज कमेटी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि उर्दू सहाफ़त का जन्म स्थान कलकत्ता है, लेकिन ना सिर्फ उर्दू सहाफ़त बल्कि अंग्रेज़ी सहाफ़त, बंगला सहाफ़त, फ़ारसी सहाफ़त, यहाँ तक के पंजाबी सहाफ़त, जितने इन ज़बानों के पहले अखबार जो हैं वो कलकत्ता से शुरू हुए। और मैं कह रहा था कि अखबार उस वक्त जो शुरू हुए थे वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के तहत शुरू हुए थे। राजा राम मोहन राय ने मीरातुन अखबार को इसीलिए निकाला ताकि वो सती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके। तो ये जर्नलिज़म का मकसद होता है, जर्नलिज़म की ताकत होती है कि एक मूवमेंट चलाती है। और आज का ये प्रोग्राम उसी तहत हम लोग तीन हिस्सा में इसको बांटे हैं कि सेमिनार भी होगा, हमारे जो जामे जहानुमा अवार्ड्स जो हम लोग सहाफ़ियों को देंगे वो हम लोग नेशनल लाइब्रेरी में देंगे भी, और साथ साथ हम लोग लास्ट में एक मुशायरा भी कर रहे हैं जिसके लिए अभी काफ़ी वहाँ धूम मची हुई है। तो इंशाल्लाह हम लोग ये तीनों चीज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग अपनी तरफ से ना सिर्फ उर्दू ज़बान बल्कि यहाँ का मुश्तरका कल्चर, बंगाल के मुश्तरका कल्चर, जो यहाँ के बंगाली और जो उर्दू वाले हैं, बंगला बोलने वाले हैं, सब मिल कर करके इसके तरफ से ये आगे बढ़ कर करके इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं।
के पास नहीं होने के हम लोग वाकई इसमें शर्मिंदा हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर नीचे का हॉल भी हम लोग ले लें और नीचे का हॉल में भी उसको दिखाया जाए और साथ साथ हम लोग वो LED वगैरह का डिस्प्ले भी करें। लेकिन जो लोग आना चाहते हैं, मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करूँगा, भाई टाइम से पहुँच जाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो प्रोग्राम है 200 साल जो होने जा रहा है और ये जश्न हम लोग जो मना रहे हैं, जश्न जहनुमा, ये जो है ये 200 साल होने जा रहा है और इसका मकसद और ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस उर्दू से जोड़ने के लिए, उर्दू के फ़रोग के लिए, और हम लोगों का मकसद ये भी है कि यहाँ से एक मैसेज जाए कि 200 साल पहले ये जो उर्दू पेपर जो निकला था उस वक्त, ये जो अखबार निकला था, ये 200 साल पहले जो ये अखबार निकला था, ये अखबार के मालिक जो थे वो हिंदू थे, जो एडिटर थे वो हिंदू थे, जो प्रेस छपा से छापा गया था या प्रेस था वो भी क्रिश्चियन थे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये नहीं है कि कोई मुसलमान जो है उर्दू पेपर निकाला था। तो हम लोगों का मकसद ये है कि ये मैसेज यहाँ से जाए, बंगाल से यह मैसेज जाए कि ये जो ज़बान है, ये जो पेपर है, ये कोई मज़हब और कोई धर्म के लिए नहीं होता है। तो यही एक मकसद और ये है, और ममता बनर्जी यही चाहती है कि सबको लेकर, सबको जोड़कर चलने के लिए। इसलिए आज उर्दू एकेडमी में ममता बनर्जी का ये कहना है कि उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया जाए और हर घर में उर्दू को पहुँचाया जाए। और हम भी एज अ मेंबर ये अपील करना चाहते हैं कि तमाम लोग जो हैं, जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, उर्दू के तरक्की के लिए जो काम कर रहे हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि उर्दू पेपर कम से कम, अभी जिस तरह से कुछ लोग आए हुए थे, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ सहाफ़ी जो मौजूद थे यहाँ, उनका भी ये कहना था कि हर घर में, हर ड्राइंग रूम में एक उर्दू पेपर होने की ज़रूरत है। देखिए ऐसा है, ये शुरुआत जो हुआ है, ये आज शुरुआत नहीं हुआ है, ये शुरुआत हुआ है 19 तारीख से। पहला शुरुआत हम लोगों ने किया है आसनसोल से, उसके बाद 21 तारीख के दिन एक प्रोग्राम हुआ है इस्लामपुर में, और आज जो है ये तीसरा दिन है। आज यहाँ पर सेशन चल रहा है, आप देख रहे हैं, अपने अपने बात को रखने आए हैं पेपर के ताल्लुक से, उर्दू के ताल्लुक से, और सिर्फ उर्दू पेपर और उर्दू के सहाफ़ी को और सहारा नहीं, ये नहीं जा रहा है, अवार्ड नहीं दिया जा रहा है, ये तमाम इंग्लिश पेपर वाले जो हैं उनको भी दिया जा रहा है, अवार्ड दिया जाएगा, साथ में हिंदी जो है, बंगला न्यूज़पेपर, उनको भी दिया जा रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ उर्दू के जो सहाफ़ी है उनको नवाजा जा रहा है, ये तमाम जो पेपर हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो पंजाबी हो, तमाम सहाफ़ी को हम लोगों ने ये अवार्ड दे रहे हैं। और ये अवार्ड जो है 26 तारीख के दिन नेशनल लाइब्रेरी में ये अवार्ड दिया जाएगा। भाई सबसे पहले तो ये बता दें, आप लोगों ने आज सेमिनार की ओपनिंग में पूरी डिटेल में एक सहाफ़ी जो बाहर से आए बताए उसके हिस्ट्री कि उर्दू ज़बान किसी कौम से जुड़ा हुआ नहीं है। ये बहुत फ़ख्र की बात है कि ये जर्नलिज़म, उर्दू जर्नलिज़म, ये उर्दू सहाफ़त इसी सरज़मीन से शुरू हुआ आज से 200 साल पहले। 200 साल पहले सहाफ़त शुरू हुई उर्दू जर्नलिज़म की, उर्दू ज़बान की नहीं। उर्दू ज़बान 1000 साल पुराना, ये 12th सेंचुरी में शुरू हुआ है और लगभग आज जिस शक्ल में आप उर्दू को देख रहे हैं, जिस शक्ल में आज ये उर्दू नज़र आ रही है, समझिए कि 1000 साल का कड़ी कोशिशों के नतीजा है। उर्दू ज़बान एक ज़िंदा ज़बान है, ये जो चलती रहेगी, ये जैसे संस्कृत है, बहुत सारी ज़बानें हैं वो ज़िंदा वो भी हैं, बट इस तरह आम बोलचाल पॉपुलेशन में उतनी पॉपुलर नहीं है जितना ये ज़बान है। और वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी ये बीड़ा उठाया है कि इसको आम लोगों के बीच पहुँचाएँ, बताएँ, इसी बहाने उर्दू जर्नलिज़म के हवाले से उर्दू ज़बान की भी हम पॉपुलैरिटी करें, ताकि हर घर में, हर शूबे में हम अपने बच्चों को उर्दू ज़बान सिखाएं। और सिर्फ उर्दू ज़बान नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, रस्मुल ख़त, बहुत लोग उर्दू बोलते हैं मगर लिखना पढ़ना नहीं जानते,
तो वो भी स्क्रिप्ट, रस्मुल खत मीन स्क्रिप्ट, दैट इज़ इक्वली, वो भी बहुत ही ज़रूरी है। और आज शुरुआत है और आप लोग अच्छे से कवरेज कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग करेंगे, और ये दुआएं आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि भाई हम लोग अच्छे से कर पाएँ, इसमें आप लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत है। शुक्रिया ही है, हर जगह काम हो ही रहा है। और उर्दू एकेडमी की जो जिम्मेदारी है, हमारी एक प्रमाइस है, एक महदूद है, उसी में हम लोग काम कर सकते हैं। और इस चीज़ का अश्योरेंस है, पूरा भरोसे के साथ हम कह रहे हैं कि जो हमारे अख्तियार में होगा हर मुमकिन कोशिश किया जाएगा। नहीं है कि ये मगरब बंगाल उर्दू एकेडमी जो आज ये काम कर रही है, हम समझते हैं पूरे हिंदुस्तान में कोई एकेडमी 200 साल उर्दू जर्नलिज्म का पूरे हिंदुस्तान में हो रहा, दुनिया में हो रहा है, लेकिन ये बंगाल है जहाँ पर हो रहा। सिर्फ इसकी वाहिद वजह ये है कि ममता बनर्जी की सरकार ने उर्दू को अपना आशीर्वाद दिया है और उर्दू एकेडमी का बजट से लेकर फ़ंड से लेकर और उन तमाम चीज़ों में बढ़ोतरी दी है। जो लास्ट CPM गवर्नमेंट के टाइम में जहाँ पर 80-85 लाख रुपये सिर्फ मिलता था, अब जाके बजट बढ़ा कि इतना बड़ा पैमाने पर लोगों को पता चल रहा। 200 साल जो जश्न हमारा आप उर्दू जर्नलिज्म पर देख रहे, ये उन्हीं का है। उसमें हम लोग एक सिपाही के तौर पर सब काम कर रहे हैं, तो आज पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आए हैं, तो ये कलकत्ता वालों का सर्फ है कि आप हम मिलकर मेज़बानी कर रहे हैं यहाँ पर। तो यही है, आप लोग इसका लुत्फ़ उठाइए, देखिए कुछ नया चीज़ यहाँ के जो अदब से जो लगाव है उनको एक नया चीज़ सीखने को देखने को सामने से मिल रहा है। यही है आप लोग के लिए भी, हम लोग के लिए भी।